आप यहाँ से लगातार सन 85 से जो है आप यहाँ पे मंत्री रहे हैं। बड़ी बात ये है कि इस बार भी आपके ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है भरोसा जताया और आपको एक बार फिर से मौका दिया गया है। कैसे देख रहे हैं आप, क्या इस बार माहौल बना हुआ है पूरे क्षेत्र में, आपके प्रति क्या लोगों की सोच है और क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, आप पहले मीडिया के आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आजमगढ़ में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, आप पता लगा लीजिए आप लोग जनता में जाके। मैं 5 साल जनता के बीच में रहने का काम करता हूँ। मुझे ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के काफिले पे कल जो है हमला हो गया, उनकी बेटी जो कि सांसद है भाजपा की, उन्होंने भी बोला कि जो गुंडागर्दी चल रही है और जिस तरीके से अटैक हो रहा है। देखिए, ये लोग बौखला गए हैं, ये लोग बौखला करके ये हरकत कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मंशा है कि हम गरीबों को वोट लें या राज अपने करें। आप गरीब तबके का हर समाज के सब एकजुट हो गया है, आपकी भाजपा सफाया करेगा, माननीय अखिलेश यादव सरकार बनाएगा, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, जनता जा रही। मुझे ये बताइए कि रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा है, खुद अखिलेश यादव जी जो है लगातार इसको उठा रहे हैं जनता के बीच में, साथ ही साथ जो किसानों के मुद्दे हैं, जो उनकी खेत में जो मवेशी घुस जा रहे हैं, छोटा जानवर घुस जा रहे हैं और फसलों को बर्बाद करते, इनको लेके क्या आपकी रणनीति है? ये सब पूछे खड़े हैं, पता लगा लीजिए कि सांड तो इतना खा रहे हैं, जो 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल फ्री में दे करके गरीब को गरीब बनाना चाहते हैं। अरे, उनको हक देना है तो शिक्षा को मजबूत करिए, शिक्षा के माध्यम से गरीब के बच्चों को पढ़ाइए। अच्छा। आज तक बीए तक 2 साल से कोरोना के नाम स्कूल बंद, जो लड़के गरीब का जो आता था भी भूल गया। न किसी के पास कंप्यूटर है, न किसी का लैपटॉप, न मोबाइल है। वो कहां से गरीब बनेगा, आगे जाएगा? ये बाबा साहब का, भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान भी इन्होंने खतरे में डाल दिया।